ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਅਨੂਨ ਫਿਰੇ ਕਰ ਰੰਬਾ ਆਏ 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 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਂਗੇ ਡਬ ਜੱਬ ਲੈ 1 ਪੇ 2 ਪੇ 3 12 13 ਕਿਉਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਓਏ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें गाइस आज को व्लॉग करते हैं शुरू। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज मैं लेट हो गया हूँ। तो अभी मैंने जाना अपने दोस्त के पास, उसको साथ लेना और फिर जाना कॉलेज। तो क्या बता छुट्टी भी हो जाए। तो वेलकम हो गया सबका इस ब्रांड न्यू व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी बस चलते हैं। तो कॉलेज में शरीफ बच्चा बन के जाता हूँ, टाइल गाई होती है। तो बाइक लेके मैं सड़क पर आ गया हूँ। तो अभी बाइक अपनी स्टार्ट है, बाइक थोड़ी सी गर्म होती है ना, फिर चलते हैं। तो बाइक ये चेक कर ले, माशाल्लाह ये चेक करें। अभी जो है ना 200 किलोमीटर चली है बाइक। तो कॉलेज हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कितने ज़्यादा किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। आज मीटर चेक कर लिया, 200 किलोमीटर चली हुई है। जब आएँगे फिर देखेंगे कितनी चली है। तो अभी बस चलते हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है, ठंडी ठंडी हवा लग जाए। तो गाइस अभी मैं और मेरा दोस्त जो आ रहा है इधर देखेगा, तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। तो बस निकलते हैं। तो अभी तक हमारी जो है ना भाई 4 किलोमीटर हमने सफर कर लिया। तो देखते हैं टोटल कितना सफर बनता, ठीक है। नहीं तो मां साहब कितना बनेगा? मेरी क्या नहीं, 18 किलोमीटर नहीं आ जा 30। हाँ तो देखने हूँ कितना बनता। तो बस हमने निकल गए हैं। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच गए सफर वाले पुल पे। तो अभी साथ ही लफड़वाल है 3-4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे हमारा कॉलेज है। तो अभी हमने जा रहा है कॉलेज सबसे पहले। तो ये लफड़वाल वाला रोड बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं डस्ट। फाइनली हम अपने कॉलेज के पास पहुँच गए। तो हमारी बाइक ने सफ़र किया जी 16 किलोमीटर, 216 हो गया। 200 किलोमीटर थी जब हम घर से निकले थे, अब 216 हो गया। तो अभी चलते हैं कॉलेज, कॉलेज से आला तलीम हासिल करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। कॉलेज में आके खड़ी कर दिया जी, ये खड़ी कर दिया बाइक इधर अपनी है। ये करेगा ना लोगों दिया गड्डिया जो कपड़े काट के बूट साफ करता पे हाल नहीं ध्यान दस लोगों बेची बना लोग। हम चलते हैं क्लास में, क्लास में जाकर तलीम हासिल करनी है, ठीक है। कि तलीम हासिल करनी है भाई आज नफसी याद का टेस्ट है। तो कोई याद जोड़ नहीं किया, भाई याद कर रहे हैं इनके साथ बैठ के याद करते हैं। सलमान साहब जो है ना आगे बैठते हैं, हम बैठते हैं पीछे क्योंकि हमने वीडियो वीडियो बनानी है, मोबाइल भी चलाना होता है। उसने कौन सा मोबाइल चलाना होता है क्यों भाई? जी भाई यार करो यार इंटेलिजेंट बच्चे ने। भाई जान की मिले दादा यार चैप्टर दस सही रहना कोई पता नहीं ऐसा बच्चे की मिले दादा की पीड़े आवे इसके खास रद्राक। अच्छा कितना कितना मिला था? पूरे चैप्टर का टेस्ट आज, पूरे चैप्टर का टेस्ट आता है आए अदला के चेक करवा के चैप्टर है 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज 8 पेज 9 पेज 10 पेज 11 12 13 14 14 पेज 14 पेज ज्यादा टेस्ट 14 पेज 14 सवाल नहीं आते ते 14 लफ्ज नहीं आते सानू। चलो करने हैं याद। भाई फाइनली भी कॉलेज से छुट्टी हो गई। तो अभी अब आए हैं सोच रहे हैं सलमान भाई ने सोच रहे हैं ना वो ट्रेन है तो फिर चलते हैं घर। भाई ये चेक करें किधर बैठ गए हुए, पैर पीछे बैठे था जी और अंदर एक चीज इधर है किधर से मेरा पीछे बैठ गया, पता नहीं कैसी चीज गई है। हम तो फुटबॉल से आते हैं तो जो सुकून हमें जंगल में आके मिलता ना, ठंडी ठंडी हवा तो ये वो माहौल चस माहौल ठीक है, वो सानू कि नहीं लगता ठीक है ना। उस अलावा ट्रैफिक ट्रूफक भी कोई नहीं होती जंगल में, बड़ा सुकून होता। बस जंगल में एक ही कमी है, एक कुत्ता है ते एक कुत्ता है एक कुत्ती है एक कुत्ती है एक कुत्ता है ते एक कुत्ती है। शेर बोलिए
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਡਰ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। भाई फाइनली मैं घर पहुंच गया, तो अभी हम अपनी बाइक का मीटर चेक करते हैं। सुबह हम जब गए थे पूरी 200 किलोमीटर चली हुई थी, अब देखते हैं जी ये चेक करें जी, अब 236 किलोमीटर चल गई है। तो यहाँ से हमारा कॉल जो है ना आने जाने का सफ़र 36 किलोमीटर बन जाता है, 35-36 ठीक है। तो अभी मैं कॉल से आ गया हूँ, तो अभी नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी गाइस, की हाल चाल है? ठीक ठाक फिट फाट हो? तो हूँ नहीं जा रहे हैं पार्टी करें छोटी मोटी। चलिए शान साहब, चलो जी। दो बंदे साढ़े आने लगे ने, फिर अं चले तो किन्नी देर लग जानी हूँ? जाने हूँ दस पंद्रह मिनट तक अं निकल लगे हाँ। तो खाना पीना जी जो तो अपनी खुशी ना खिलाना चाहो? अच्छा हाँ जी फाजी साहब, तुम दसो जो अपनी खुशी ना खिलाना चाहो खिला दे। ठीक है, नान पकौड़े खा लें। चलो गाइस वो आते हैं तो फिर चलते हैं, तो फिर कुछ अच्छा खा के आएंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम जाने लगे हैं किंगड़ा टाउन, वहाँ से कुछ खा पी के आते हैं, ठीक है, पार्टी करके आते हैं। पहले हमारे पास थी एक बाइक न्यू ही, तो हम पांच बंदे हैं, तो हम एक बाइक पे नहीं था जा सकते, तो अभी एक और बाइक आ गई है। बंदे कितने छड़ आए हैं? कार दस के आने लगे ने, फिर निकल गया। हाँ जी दुल्ला साहब, वालेकुम सलाम। तो अपनी एक गड्डी खलोती थी, एक फाहद भाई गड्डी लैके आए थे, हूँ बस निकली है। चलो यार टाइम बड़ा हो गया, पैसे लैके आए तेल दे? तेल है ना दे, शान थोड़ा जा वड्डा, बाकी छोटे ने बच्चा पाल दिया, एक गड्डी दे घर दिता, बच्चा पाल दी एक गड्डी दे, वड्डे एक गड्डी दे। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੇ? वापस हो जाएगा। कार आंदी है ना, कार विच भेजे दे हुण जा ना, गड्डी चला ओए किंगड़ा पहुंच गए, हम खाने पीने आए। हां जी जी साहब दसो, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਯਾਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ, ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਣੇ ਪਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਅੰਦਰ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੂਹਾ ਸ਼ੂਹਾ ਖੋਲਨੇ ਆ, ਆਇਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸੁਸੂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਸੂ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਸੁਸੂ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾੜਾ ਦਾ ਸਾੜਾ ਬੁੱਕ ਕਢਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁੰਬਈ ਜਾਣ
ਹਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗਾਈਸ ਆਰਡਰ ਹਮਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਆਰਡਰ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ ਏ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਬਸ 3400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਛੋਤਲ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਡਿੰਗੇ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੀ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਕੜੋ ਪਲੇਟ ਆਇਆ ਅਭੀ ਚਮਚ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੋ ਐਸੇ ਕਾਲ ਲੈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਬਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਪਾਈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਈ ਜਾ ਚਾਰ
ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਗਿਆ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀ ਧੋਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਮੂੰਹ ਧੋ ਗਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਆਏ ਟਿਸ਼ੂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਐ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਲੀਏ 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 ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਕੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾ ਖੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਨੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਗੜਾ ਤੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਥੱਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਮੱਤੀਆਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਨੇ ਬਚਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੱਚਾ ਬਾਲਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਾਲਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਸੜੀ ਨਾ ਸੜੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਨੇ ਪਿਆ ਠੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਾਂਭਾ ਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਇੰਜਵਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੁਨਾ ਕਰਦੀ ਆਏ ਆਏ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ तो गाइस फाइनली अभी हम गांव पहुंच गए वापस आया।